तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वाइन इंडियन नेवी ट्रेडमैन स्किल्स सिविलियन रिक्रूटमेंट पोस्ट 2023 के बारे में। यानी ये जो आपका वीडियोस होगा, ये इसमें आपको इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन ये जो पोस्ट होगा वो सिविलियन पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इस पर्टिकुलर सिविलियन पोस्ट में आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, आप कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकेंगे, फ़ी कितना देना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे और एज लिमिट क्या होगा और कैसे आपको इसमें चयन प्रक्रिया होंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। और सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे हम कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स है इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के रिगार्डिंग उसके बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है वो हमें एप्लीकेशन जो बिगिन है वो 7/2/2023 से बिगिन है और लास्ट जो एप्लीकेशन का ऑनलाइन होगा वो 6/3/2023 होगा और पे जो होगा इसका पेमेंट जो पे करना होगा वो 6/3/2023 को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसके जो आपका 6/3/2023 तक आपको कम्प्लीटली पेमेंट करके अपने फॉर्म को फिलअप कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फ़ी के बारे में जान लेते हैं। तो फी जो है आपका वो OBC जनरल EWS के लिए 205 रुपये का फ़ी रखा गया है, ST SC के लिए 0 रुपये का फ़ी रखा गया है। सिविलियन पोस्ट है, इस कारण से इसका फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है नॉर्मल पोस्ट के अकॉर्डिंग। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में। यहाँ पे इंडियन जो नेवी है ट्रेडमैन स्किल के लिए ये पोस्ट निकाला गया है। ये एक प्रकार सिविलियन पोस्ट है। सिविलियन पोस्ट में क्या स्टूडेंट्स आपको बता दें, एक जो नॉन सिविलियन पोस्ट होते हैं जो कि आपके पर्टिकुलर इंडियन नेवी में होते हैं जिसमें आपको वर्दी मिलता है, इस सिविलियन पोस्ट में क्या होते हैं आपके जो यूनिफॉर्म होते हैं वो आपको नहीं प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे है वो है आपका क्लास 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और साथ ही साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया क्या हो गया, 10th पास होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या क्या ट्रेड के लिए इस पर्टिकुलर वैकेंसी को निकाला गया है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। मशीनिस्ट का वैकेंसी है, शिप राइट ज्वाइनर का वैकेंसी है जिसमें कि टोटल 8 पोस्ट है, इसके 2 पोस्ट है और ड्राइविंग क्रेन मोबाइल और पेंटर इनके 2 पोस्ट और इनके 4 पोस्ट। ठीक है, आपने जो भी आप पोस्ट यहाँ पे देख रहे हैं सबको देखिएगा, फीटर का है, इलेक्ट्रिक फीटर का है, सब कुछ के है अपने पोस्ट को, जो जो आपको जिसमें अपना आपने ITI को किया है उसको यहाँ पे देखिए और इसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म को फिल कीजिए। ठीक है, ये सभी क्या है आपके पोस्ट है। चलिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन जानते हैं नोटिफिकेशन की तरफ से कि नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी होगी, जहाँ की आपको सिलेबस के बारे में बताया गया होगा, आपके जो सैलरी मिलेंगे उसके बारे में बताया गया होगा, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए देख सकते हैं ये हमारा क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। और जो नोटिफिकेशन है वो 1/2023 को जो आपका नोटिफिकेशन है ये 1/2023 बैचेस के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन रहेगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं जो टोटल आपके जो पेमेंट सैलरी मिलेंगे उसके बारे में थोड़ा सा। तो जो पेमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा वो लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा जिसमें आपको 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपको यह पेमेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये लेवल 2 का है, इस कारण से बेसिक पे 19,000 है और मैक्सिमम आपका 63,000, यानी लगभग आपके जो हाथ इनहैंड सैलरी मिलेगा वो 35,000 से लेकर आपके 45,000 के बीच में स्टार्टिंग में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इसके जो चयन प्रक्रिया होंगे यानी सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वह क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो किस प्रकार से होगा। तो सेलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग होगा, यानी एप्लीकेशन को देखा जाएगा कि किनके एप्लीकेशन भरे गए हैं, उसमें क्या है कैसे है। ठीक है, सब कुछ जानकारी वहाँ पर देखी जाएगी। उसके बाद क्या किया जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स बता दें आपको, जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा यानी उसमें से एप्लीकेशन में से क्या होगा आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या होगा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एप्लीकेशन को। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन का होगा इसमें किस प्रकार से शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है कि जैसे कि ये जो आपके शॉर्ट लिस्टिंग होंगे वो इस बात को ध्यान में रखकर देखा किया जाएगा, जैसे कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आते हैं फॉर्म को फिल करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होंगे आपके जो यहाँ पे इंडियन नेवी जो है वो अपने अनुसार एक कट ऑफ बनाएगी और उस कट ऑफ के अनुसार आपके क्या होंगे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, यानी उस कट ऑफ के अनुसार आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन देने के लिए बुलाया जाएगा। यदि आपके एप्लीकेशन फिल कम होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा आपको सीधे सभी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन देने के लिए बुलाया जाएगा, यानी रिटर्न एग्जामिनेशन देने के लिए बुलाया जाएगा। यदि ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो एक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उस तब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछे जाएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 10 सवाल होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 सवाल होंगे, जनरल इंग्लिश के 10 सवाल होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल होंगे और अवेयरनेस इन रेलिवेंट ट्रेड और फील्ड यानी जिस ट्रेड और फील्ड में आपने ITI किया है उससे कितने सवाल होंगे, उसके मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 होंगे। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कहा गया है ना कि सवाल कहा गया, ठीक है, हमने गलती बोला है आपको, ध्यान से सुनिएगा, ये मैक्सिमम मार्क्स होंगे। ठीक है, चलिए ये क्या होंगे आपके स्कीम होंगे रिटर्न एग्जामिनेशन के, यानी रिटर्न एग्जामिनेशन में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कंप्लीट डिटेल सिलेबस है सारे चीज़ के आप यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, और
और भी कोई डाउट यहाँ पे रह गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर्म को कैसे भरना है, क्या भरना है, ऑनलाइन साइट पे जाएंगे आप, ऑफिशियल साइट नेवी के, और वहाँ से जाके इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा वीडियोस में तमाम जानकारी जो भी हमने आपको थंबनेल में प्रोवाइड करवाया है वो हमने यहाँ पे देने का प्रयास किया है। फिर भी किसी प्रकार का डाउट यदि रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।